अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आप सब ठीक हैं? हम भी खैरियत से हैं। और जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर जो है सब बच्चे बच्चों को ये अखाड़े का लग रहा है। ये देखो सब के सब सुबह सुबह भी सारे बच्चे बस ये डंडे लिए घूम रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे भी डंडे लिए घूम रहे हैं। तो आज रात से जो है वो मुहर्रम खेले जाएंगे। आज मुझे ना उठने में लेट भी हो गया, क्योंकि कल जो है पानी आ रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में। अब मैं रात में जो गई तो मेरा ऐसा पैर रखा गया कि मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई, तो बहुत चोट आ गई थी। अभी एक महीने पहले भी मैं गिर गई थी, वहीं चोट लगी थी, अब फिर से वहीं दोबारा चोट लग गई कमर में। अभी बच्चे सारे अखाड़े ही खेल रहे हैं, सब ने अपने डंडे तैयार किए हुए हैं, जैसे अयान ने किया हुआ है वैसे ही कर रहे हैं अभी। ये रहे, सबको भूत सवार है। अभी तक तो ये भी सो रहे हैं, अजीम भी सो रहे हैं, मदीहा और अब्दुल्ला। अयान उठ गया, हमारा अयान जल्दी उठ जाता है सुबह में। अयान में आदत है शुरू से ही, जब छोटा सा ही वो शुरू से ही जल्दी उठ जाता है, परेशान नहीं करता। खैर बहुत अच्छा बच्चा है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। तो ये छोटे बच्चे आए हुए थे, कौन कौन है भाई? तो ये हमारे हुसैन लेटे हुए हैं, या हुसैन कर रहे हैं, और ये जैन और रिया। तो ये अली भी हैं, अली भी बैठे हुए हैं, हुसैन भी बैठे हुए हैं, और जैन तो कप के चक्कर में, कप फोड़ दूंगा फटाफट। ये यहाँ पे जो है ना सब बच्चों को यही है जुनून। ये सहानपुर की वो है ना, तो इस वजह से सहानपुर वाले सबको जोश में है सब। ये रहे या हुसैन ये रहे, और इनका नाम भी हुसैन ही है। तो अब अनम ने नाश्ता भी बना लिया है, सब चीजें रेडी कर ली हैं। जैन को छोड़ दो भाई यहाँ पर, और चाय का जग लेकर जाओ। तो ये हमारे शबील भाई आए हैं, और शबील भाई ठीक हैं आप? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। और बताइए क्या हो रहा है? बस हम आए थे मॉर्निंग में आपके यहाँ पर हलीम की दावत देने के लिए। अच्छा, कौन? और के वहाँ हलीम हमारे यहाँ पे बन रहा है, ले आए आप जाकर। अच्छा, तो यहाँ नाश्ता हो रहा था, नाश्ते में शिरकत की है माशाल्लाह से। अच्छी सुबह है, बारिश हो रही है। और आप बताए कैसे चल रहा है ब्लॉग? वहाँ पर डेकोरेशन हो रही है आप या नहीं? डेकोरेशन हो रही है, बहुत प्यारी डेकोरेशन हो रही है, लेकिन ये गलत काम है। गलत तो है, आप ना हमें वीडियो बना के डाल देना। मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं थोड़ा इनसे दूर रहता हूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ जितना बचे जा सके बचे जाए, और सभी भाइयों से मेरे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं घर पे रहे, सेफ रहे, और नमाजों की पाबंदी करें, हम भी करेंगे इंशाल्लाह, आप भी करें। बहुत अच्छी बात है। और अजीम भाई कहाँ है? ऊपर है, आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं, और ब्लॉग सही चल रहा है। ये हमारी भाभी है, इन्हें लाइक करें फिर से वीडियो को। अरे तो इनकी वीडियो को लाइक करें, इन्हें शेयर करें, ये वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम जो है इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे इनके ब्लॉग में आते रहेंगे। ओके, थैंक यू। हमें देखने के लिए जो है दोबारा कभी भी जब भी हमारी दावत कर देगी तभी आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला क्या चाहिए? क्या चाहिए? आइन, बस मोबाइल ही लेता है मेरा बेटा। अभी रुको, तो हमारा जो है नाश्ता वगैरह निमट गया था, अब जो है बस हम ये सफाई करने जा रहे हैं। और आज डिसाइड हुआ है कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनेगी, क्योंकि आज जो है लूज मोशन आ रहे हैं, विशाल को भी आ रहे हैं और अनम को भी। तो हमने कहा चलो, और सबकी दावत भी है, क्योंकि हलीम बना है तो हलीम की दावत भी आई है, तो अधिक 2-3 बंदे वहाँ पर जाएंगे और खिचड़ी बनाएंगे हम मूंग की दाल की। तो फ्रेंड्स हमारा सारा काम निमट गया है, बस खिचड़ी भी बन गई है, अब्दुल्ला दूध पी रहा है, और मदीहा जो है वो हमारा ही व्लॉग देख रही है एलसीडी पर। बच्चों को ज़रा अच्छा लगता है, और ये अयान का तो भूत ही नहीं उतर रहा भाई।
हाँ तो इसी बेटे मोबाइल टूट जाएगा मेरा उधर हो। तो मैंने यहाँ की भी बस सफाई कर ली थी और अब जो है मौसम भी वो तो रहा ठीक, लेकिन गर्मी सी है, हवा वगैरह नहीं चल रही बिल्कुल भी। हाँ जो है ये कपड़े ये मेरे तय हुए हुए रखे हुए हैं बहुत दिनों से, अब मुझे कहीं जाना पड़ जाता है कभी कहीं कभी कहीं, बस वक्त नहीं मिलता। आज बस मुझे कुछ काम नहीं है, यही काम है कि आज मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी और सब ठीक से करूँगी, क्योंकि फिर से मुझे शाम में कपड़े मैं फिर धोऊँगी। अब्दुल्ला मना करता है भाई करने के लिए भी। तो अब्दुल्ला जो है फिर से, अब्दुल्ला नहीं बेटे आराम से, एक तो ये नहीं खेला करते लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं सुन रहे हैं। और अब जो ये कपड़े हैं बस अब मैं इन्हें तय बनाने जा रही हूँ, जो प्रेस होने हैं फटाफट वो प्रेस करके रखती हूँ। अब्दुल्ला आयान नहीं करो बेटा। तो ये जो है हमारा जैन खेल रहा है, जैन जैन लो बेटा, जैना जैना तैयार हो गया था लेकिन उसने जो है नेकर में फिर शुशु कर लिया आपने और फिर वो ये पजामा फिर से पहनाना पड़ा इसको। और अब्दुल्ला भाई दोनों भाई भाई खेल रहे हैं ये, और ये हमारे घर ये और छोटे छोटे बच्चे आए हैं, मैं तो नाम भूल गई, सादिया पूरिया और रिया, सब एक से नाम हो रहे हैं। या हेलो। तो मेरे बेटा अब्दुल्ला तैयार हो गए हैं। अब्दुल्ला आप कहाँ जा रहे हैं? नानी के कहाँ पर घर? नानी के घर, नानी के घर, वहाँ कौन है? मामा। कौन है वहाँ पर? मामा, मामा और मामी। और मामा। एक और है मामा और मामा। परीजा नहीं है, कौन है? पाइजा। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स। मेरे कपड़े वगैरह तय हो गए थे और मदिया जो है वो सो रही हैं, मदिया के पापा मोबाइल चला रहे हैं अभी, और मैंने जो है चाय बनने रखी है यहाँ पर, चाय इतने तैयार हो रही है। अब भी अयान का तो भूत ही नहीं उतर रहा भाई, बस उस पर है, अखाड़ों में है और वहाँ कह रहा है कि डेकोरेशन जो है स्टार्ट हो गई है होनी, क्योंकि रात से जो है वो अखाड़े खेलने शुरू हो जाएंगे, तो वो सारी रात खेले जाते हैं और फिर सुबह में दोपहर के बाद वो होते हैं ख़त्म करते हैं उन्हें खेलना। ये वहाँ पर जो है सजावटें होनी शुरू हो गई हैं, देखें रात में ही ज़्यादा दिखती हैं ये, देखिए आप। तो अभी ये जो है डेकोरेशन हो रही है, बाजार में भी काफ़ी चहल पहल हो रही है क्योंकि आज सैटरडे भी है ना, तो मार्केट है आज। मौसम जो है ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चलता, 5 मिनट में ही मौसम चेंज हो जाता है, उत्तराखंड जैसा मौसम हो रहा है यहाँ पर भी। और आ जाओ बेटे, चाय बन गई, बस नीचे जो है कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, अनम अपने कपड़े धो रही है, मैं कल धोऊंगी अपने कपड़े क्योंकि एक टाइम में एक ही मशीन चलाते हैं हम, वॉशिंग मशीन, तो अब जो है मैं कल धोऊंगी क्योंकि नीचे तो कपड़े धुल रहे हैं ना, इसलिए। ये अब्दुल्ला भी है भाई साथ में, देखो ज़रा इसको, पता नहीं क्या करते रहते हैं बच्चे भी, अपने आप ही खेलते रहते हैं। अब्दुल्ला जहां तहां सब, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब डंडे ही लेकर खड़े हुए हैं। आज जो है हम बालकनी में भी नहीं गए, देखते हैं बालकनी में क्या हाल हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, क्या क्या हो रहा है रोड पर। तो ये देखो, मैं तो कह रही हूँ सब के सब, यहाँ हमारे ही बच्चे नहीं ये देखेगा, ये सब भी बस सबके हाथों में डंडे हैं, सब इसी काम पर लगे हुए हैं, छोटे हों बड़े हों बच्चे या कोई भी हो, सब इसी काम पर हैं। एक तरीके से ये जुनून सा हो रहा है सब में।
तो अब जो है हमारी चाय भी रेडी हो गई है, बस अब हम चाय पीने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मदीहा भी उठ गई हैं सोकर, और अयान जो है जलेबियाँ लाए हैं, जलेबियाँ हो रही हैं गरम गरम। और यहाँ पर जलेबियाँ बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, और इस वक्त ही बनती हैं शाम के वक्त, तो बहुत टेस्टी और यम्मी जलेबियाँ बनती हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज है अम्मी का रोज़ा, और यहाँ इसमें अरबियाँ बन रही हैं, और अनम बना रही है जर्दा, तो उसमें कलर वगैरह डाल के ये इसमें पानी वानी रख दिया है। और मैं बनाने जा रही हूँ पुलकियाँ पकौड़ी वगैरह, देखती हूँ अफ्तार की तैयारी करती हूँ, चावल वगैरह भी भीगे हुए हैं, ये भी सब करती हूँ फटाफट, जल्दी से निपटाती हूँ सारा काम। तो यहाँ पर बन रहा है जर्दा, और पुलकियाँ हमारी बन गई हैं, अनम जो है कर रही है, मेरी वीडियो बनाओ उसके बाद। ठीक है, तो हमारा जो अच्छा मामा है वो तुमने पॉज कर रखी थी, वीडियो नहीं चलाई थी, नहीं चला दी थी, चल गई भाई, टेंशन मत ले। हाँ। मदीहा नहीं खा रही है अरबी, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ सिवई सिवई, तो अब देखते हैं और आगे क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो माशाल्लाह हमारा जर्दा सॉरी बटने की तैयारी है, व्लॉग बना रही हाँ, और ये बच्चे आए हैं बांटने के लिए, और ये फूफो कर रही हैं बस बिस्मिल्लाह से, और जो पड़ोस में घर होते हैं आने जाने होता जहाँ, तो वहाँ पर हम लोग जो है ये भेज। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चप्पल नहीं मिल रहा, चलो मैं ढूंढ कर लूँगी। तो हमारा जो है जो हमने जर्दा बनाया था वो हमने रिश्तेदारों में और आस पड़ोस में बांट दिया है, बस वो भी काम निमट गया हमारा। और अब जो है जैनू, जैना जैन चलो चल रहे हैं, चलो चल रहे हो, तो जैन जाने के लिए एकदम तैयार रहता है हमेशा। तो अब जो है मैं ऊपर आ गई हूँ अपनी छत पर, तो सब वहाँ पर देखिए डेकोरेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। ये देखिएगा, तो इस कदर रश है, और डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और कुछ मसला हो रहा है, पता नहीं डीजे वीजे पर हो रहा है कुछ, बस स्टार्ट करने ही वाले हैं ये लोग, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे आपको, आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो है गली में भी सब लोग खड़े हुए हैं, और जो है बहुत दूर दूर से आते हैं मुहर्रमों पर, यहाँ सहानपुर में, हम सहानपुर में रहते हैं, और यहाँ पर जो है मेरी देवरानी अनम उसके भी मतलब रिलेटिव आए हुए हैं, खाला वाला आई हुई हैं, बिजनौर से आई हैं, हुसैनपुर से आए हैं, जलालाबाद से आए हैं, तो सब हमारे यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ मुहर्रम देखने के लिए, मुहर्रम के पर्पज़ से ही सब आए हुए हैं। सहानपुर की डेकोरेशन में आया था बनाने वीडियो, बहुत रश हो रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अखाड़े खिलने जो हैं वो शुरू हो गए हैं, रात के कुछ बज रहे हैं 12:30, और ये देखिए कितनी पब्लिक है उस छत पर, और फिर उससे ऊपर भी,
तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं अखाड़े देखने के लिए। इतनी पब्लिक है कि एक ऊपर एक हो जाती है। और ये कुछ चौक बाजार का नज़ारा है, रात के बज रहे हैं 12:30। और सिक्योरिटी भी टाइट है यहाँ पर, पुलिस जो है तैनात है, अपना काम कर रही है, सब देख रही है कि कहीं लड़ाई वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अक्सर भीड़ में लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी बातों पर। यहाँ पर इतनी देर से ये लाउड स्पीकर पर बोल रहे हैं। और जो सजावटें हो रही हैं वो बहुत दूर तक हो रही है, डेकोरेशन जो हो रही है पूरी सहारनपुर में, पूरी मतलब ये जो लाइन होती है ये पूरी वहाँ तक पूरी सजावटें ही सजावटें होती हैं। बहुत अच्छी डेकोरेशन की है सबने। और ये देखिए औरतें जो हैं, आदमियों से ज़्यादा तो औरतें ही नज़र आ रही हैं, तो जेंट्स इतने नहीं हैं, लेडीज़ ही लेडीज़ हैं। और उस छत पर भी बहुत लेडीज़ हैं, सब जगह बहुत दूर दूर से मेहमान आते हैं देखने, तो ये भी शुरू हो गए हैं सब। और ये बहुत बोल रहा है, बहुत तेज तेज डीजे पर बोल रहे हैं। तो अब जो है वहाँ पर बहुत रश हो रहा है। और हमारे हमारे ऊपर भी हैं, यहाँ भी हैं और नीचे भी हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है भीड़ हो रही है। और यहाँ तो यहाँ हमारे घर पे भी देखने के लिए बहुत सारे आए हैं, जो देख रहे हैं अखाड़ा अखाड़ा देखने के लिए बहुत सारे आए हैं हमारे घर पर। तो यहाँ पर जो है पुलिस भी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये खुद ही इतनी तेज तेज बोल रहे हैं कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए कितना रश हो रहा है, जो ऑडियंस है वो बढ़ने पर ही है। तो सारी रात जो है यहाँ पर यही होता है। तो जो है भाई ये तो सारी रात ही चलते रहेंगे। और कल दोपहर तक यही होना है, बस अखाड़े ही अखाड़े होने हैं। और मेरे दुख गए हैं पैर, हम उससे खड़ा नहीं हो जा रहा। और चलिए बालकनी का भी देखते हैं नज़ारा क्या हो रहा है बालकनी में, क्योंकि उधर तो हो ही रहा है, सबके अपने अपने अलग अलग अखाड़े हो रहे हैं। तो वहाँ जो है वहाँ भी बज रहा है ढोल वगैरह, और लाउड स्पीकर वगैरह भी बज रहे हैं, सब जगह ही रश हो रहा है। तो ये तो सारी रात का ही मसला है। तो जो है हमारी जो गली है वो तो सुनसान हो गई है, क्योंकि सब अखाड़े में लग गए हैं। और जो भी वीडियो बनती है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, नेक्स्ट व्लॉग में। और क्योंकि तो सारी रात का ही है, तो मैं इस वक्त इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, सॉरी अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग बनाने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मामा के साथ।